हेलो गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट टू ऑफ रे ऑप्टिक्स। लेक्चर टू की हम बात करेंगे यहाँ पर। आज हम रिफ्लेक्शन में आगे बढ़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताए थे, एंगल ऑफ डेविएशन बताया था मैंने, अगर किसी प्लेन सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो। आज मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर्स बताऊँगा, फिर स्फेरिकल मिरर्स। हालांकि इस साल 2020 में सिलेबस में कुछ डिलीट किए गए हैं पोर्शंस, तो वहाँ रिफ्लेक्शन ऑन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स काट दिए गए हैं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जब हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको उनको समझने के लिए मिरर्स पर रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट्स याद रखने के लिए पढ़ेंगे हम, किसी बिल्कुल सिलेबस में एग्जाम के पैटर्न से नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, हम वो टॉपिक्स यहाँ जरूर कंसीडर करेंगे अभी, ताकि हमें आगे रिफ्लेक्शन की बात कभी भी अगर आ जाती है तो ऐसी कोई परेशानी महसूस ना करनी पड़े। तो सभी बच्चों को याद दिलाऊं कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ाया गया है यहाँ पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपने रूल्स पढ़े, इसी बात पर हमने रिफ्लेक्शन को समझा था, कितने एंगल पर कौन सी लाइट जाएगी, ऐसा कुछ जानने की कोशिश करी थी। तो आज हम सीधा सीधा आगे स्टार्ट करते हैं। भाई, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, आपको समझाना चाहता हूँ आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाई अ प्लेन मिरर, कब कैसे इमेज बनती है और कितनी रेज जरूरी है एक इमेज बनाने के लिए, कैसी होती है एक इमेज, कैसा नेचर होता है, क्या क्या बातें एक इमेज के बारे में पढ़ने को मिलेंगी, ये सारी बातें आज हमें जाननी है। तो इमेज फॉर्मेशन बाई अ प्लेन मिरर की हम बात करेंगे। एक प्लेन मिरर अगर कंसिडर किया जाए, एक प्लेन मिरर इस तरह से कंसिडर किया जा सकता था, भाई ये मैं इस तरह से जहां पर ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये इस तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एक तरफ आप पॉलिश्ड सरफेस देख पा रहे हैं और एक तरफ आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो ये प्लेन मिरर है यहाँ पर, तो ये प्लेन मिरर है यहाँ पर, एक तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ वाला और दूसरी तरफ इसका जो है वो इसका पॉलिश्ड सरफेस है। और इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, अगर मान लीजिए इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है इस तरह से, कोई बॉल पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर करी भाई फिलहाल, तो मैंने ये ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसीडर करी है और ये एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए तो ये एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है, एक छोटी सी ऑब्जेक्ट कंसिडर करी है जिसकी हाइट वगैरह या डायमेंशन अभी नेग्लेक्ट कर दी गई है यहाँ पर। गाइस, उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। किसी भी केस में कोई भी फिनोमिनन आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा लाइट का सोर्स है, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा अगर वो ल्यूमिनियस बॉडी है तो, वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा अगर वो नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो होती है वो मिरर पर, लेंस पर या हमारी आईज पर आएगी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आएगी, तभी उसकी इमेज आप देख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जो आई है, मान लीजिए एक रे इस तरह से मैंने डिनोट करी, तो इस तरह से एक रे इस डायरेक्शन में जा रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से ये लाइट यहाँ मिरर से वापस रिफ्लेक्ट हो गई होगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसने फॉलो किए होंगे भी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसने फॉलो किए होंगे इस तरह से। तो ये रे इस तरह से यहाँ पर कंसीडर करी मैंने इस तरह से। एक और रे कंसीडर की जाए, अगर यहाँ से एक और रे की बात करी जाए तो कम से कम दो रे होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ पर इमेज बनने वाली है। तो कम से कम दो रेज होनी चाहिए ये जानने के लिए कि कहाँ पर इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। एक और रे कंसीडर करिए, ये ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो ये ज़्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
तो इस तरह से ये ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रेज अगर किसी ऑब्जर्वर के पास आई है, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर है, मतलब आई, तो ये आई है भाई, अगर ये रेज किसी की आईज में जाएंगी तो देखने वाले को हमेशा ही लाइन ऑफ साइट में दिखाई देता है, अपनी आंखों की सीधी लाइन में दिखाई देती है भाई ऑब्जेक्ट्स भाई। तो इसलिए लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर पाथ है, सीधी चलती है हमेशा। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये लाइट्स जो थी वो कहां से आई हैं, वो इस लाइट को प्रोड्यूस कर देखेगा इस तरह से, उसे ऐसा लगेगा कि लाइट यहां कहीं सोर्स रखा हुआ है लाइट का। दूसरी रे के लिए भी इसी तरह से सोचेगा और इन दोनों को इस तरह से प्रोड्यूस करूं, एक पॉइंट पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगी, जहां ये इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, ये उस इंसान को, देखने वाले को लग रहा है कि लाइट यहां से आई है, तो ऐसा लग रहा है उसे कि भाई लाइट एक्चुअल में इस ओ ऑब्जेक्ट से गई थी मिरर की तरफ, मिरर ने उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, और जब ये ऑब्जर्वर के पास पहुंची उसने देखा कि लाइट उसे लगेगा पीछे से कहीं से आई होगी, सीधी लाइन। हर एक रे जो आंखों में आती है ऑब्जर्वर प्रोड्यूस कर देखता है कि ये पीछे से कहीं से आई होगी इस तरह से। तो जब वो इस तरह से देखता है कि भाई ये कहां से आई होगी, तो उसे यहां कहीं पर ये दोनों रेज लगेगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आई है, इस पॉइंट से, जहां पर उसे लग रहा है कि इस पॉइंट से लाइट आई है, उस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी। वहां से लाइट आई नहीं है एक्चुअल में, जब लाइट इस तरह से आई ना हो और लग रहा हो ऑब्जर्वर को, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज महा जहां पर ऐसा लग रहा है कि लाइट वहां से आई है या वहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर लाइट डॉटेड बनानी पड़ जाए, मतलब ऐसा सोचना पड़ेगी वहां से आई होगी, वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। वो इमेज स्क्रीन पर नहीं देखी जा सकती। अगर इस मिरर के पीछे कोई वॉल, दीवार होगी या कोई पेपर रख दिया जाए, कोई स्क्रीन होगी, तो वहां कोई लाइट नहीं जाएगी और उस पेपर पर, उस दीवार पर या उस स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं बनेगी। आप अक्सर स्कूल में खेलते रहते हैं, घड़ी से खिड़की वाली साइड बैठ जाते हैं, खिड़की से लाइट जो आती है वो आपकी घड़ी से रिफ्लेक्शन के बाद दीवार पर जाकर एक स्पॉट बना लेती है, तो वो स्पॉट रियल इमेज है, एक्चुअल में दीवार पर बन रही है वो पिक्चर, वो इमेज बन रही है, तो इसलिए वो रियल इमेज है। लेकिन इस केस में देखने वाले को मिरर के अंदर ये बॉल या ये ऑब्जेक्ट जरूर दिखाई देगी, एक इमेज दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई इमेज बन नहीं पाएगी किसी स्क्रीन पर, ये कैसी इमेज है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन देखकर हम ये बता सकते हैं कि किस तरह की इमेज बना रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यू है, तो इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो वी है, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो वी लिखा जा सकता है। और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि जो प्लेन मिरर ने इमेज बनाई है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो नंबर एक बात है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी गई है मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी गई है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर अंदर इमेज बन जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ये लिखते हैं कि distance of image from mirror. तो भाई distance of image from mirror is equal to distance of object from mirror भाई इस तरह से। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इस बात को कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही अंदर इसके इमेज बनने वाली है। ये पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई,
जो इमेज बन रही है वो स्क्रीन पर नहीं देखी जा सकती, इसलिए जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। और भाई आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जो स्क्रीन पर नहीं देखी जा सकती, जहां डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेगी आपको, वहां वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होगी, आपको हमेशा ही वर्चुअल इमेज सीधी दिखाई देगी। आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो अपनी इमेज देखते हैं तो बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो, कभी उल्टे नहीं दिखाई देते। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज वर्चुअल बनती है। और भाई चाहे लेंस का केस हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आगे पढ़ेंगे, कोई भी केस हो, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड बनती है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है। और नंबर तीन बात करी जाए भाई, इस तरह से नंबर तीन बात जो है वो देखें हम इस तरह से, तो नंबर तीन बात है कि जो इमेज है वो सेम साइज की होगी भाई, सेम साइज की होगी भाई। प्लेन मिरर के केस की बात करें, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की भी होगी। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की भी होगी। हाइट हमेशा क्या रहेगी, इस तरह से सेम, जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होती है उतनी ही हाइट की इमेज प्लेन मिरर बना देता है। तो ये बात भी प्रॉपर्टी में है इसकी। और चौथी प्रॉपर्टी में, चौथी प्रॉपर्टी है जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। और भाई लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है और राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देता है। तो ये प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज है भाई, ये प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके, बस कॉन्सेप्ट्स जानेंगे इसका भाई, क्वालिटेटिव जो है वो व्यू लेंगे इसका। क्यों, क्योंकि इस पर कोई इस तरह के क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाने वाले हैं कि प्लेन मिरर्स में बताइए आप क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस तरह से। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं, जितनी स्पीड से आप मिरर की तरफ दौड़ोगे उतनी ही स्पीड से इमेज आपकी तरफ आएगी, यानी देखने वाले को, ऑब्जेक्ट वाले को अपनी इमेज दुगनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दी जाती है इस तरह से। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर दो मिरर आपके सामने रखे गए हैं, तो दो मिरर रखे गए हैं इस तरह से, दो मिरर हैं और दो मिरर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, इस तरह की बात कर रहा हूं भाई मैं। आप अपनी कॉपी की बात करिए, आप अपनी कॉपी को इस तरह से खोल दीजिए भाई। तो आपकी कॉपी है, मान लीजिए इस तरह से खोल दिया जाए इसको, ये एक मिरर होता और ये भी एक मिरर होता, और इन दोनों को इस तरह से रखा जाए कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो। देखिएगा, ये दो प्लेन मिरर्स की तरह हैं और दो प्लेन मिरर्स के बीच में कुछ थीटा एंगल बन रहा था यहाँ पर। तो ये थीटा एंगल बन रहा है, ऐसे 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 बंद कर दूं तो ये थीटा जीरो हो जाएगा इनके बीच में, अगर बिल्कुल ऐसे जो बंद कर दूं तो दोनों मिरर्स के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, थोड़ा ऐसे करूं तो एंगल बढ़ने लगेगा, ऐसे करके दो मिरर्स ऐसे रख दिए जाएं तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो दो मिरर्स हैं आपके सामने, दो मिरर्स हैं आपके पास, दोनों मिरर्स को इस तरह से रख दिया जाए भाई, दो मिरर्स को बिल्कुल जोड़ के रख दिया जाए तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इनके बीच के एंगल को कम करने लगूं इस तरह से तो कम होने लगेगा, 90 का हो जाएगा। जैसे दो वॉल्स की बात करूं, आपके कमरे में दो दीवार इस तरह से हैं भाई, दो दीवार इस तरह से हैं कि दो दीवारों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल, तो आप देख पाएंगे दो दीवारों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो मिरर्स के बीच में भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, अगर आपके पास दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, अगर आपके पास दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है इस तरह से, तो ये मिरर नंबर वन है मान लो, एक मिरर M1 नाम दिया मैंने और एक मिरर को M2 नाम दिया इस तरह से। तो ये दो मिरर अगर आपके सामने है इस तरह से और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और यहां एक ऑब्जेक्ट रख दी जाए भाई, इन दोनों के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट रख दी मैंने अगर इस तरह से, तो इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनेगी भाई,
इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस बनेगी, इसकी एक इमेज जो है वो इस मिरर में दिखाई देगी भाई यहाँ पर, इस तरह से एक इमेज इसकी इस मिरर में दिखाई देगी, तो एक इमेज इसकी इस मिरर में दिखाई देगी भाई यहाँ पर, इमेज इस ऑब्जेक्ट की यहाँ दिखाई देगी, ये इसके सामने रखी हुई है इस तरह से, इसके अंदर भी इसकी एक इमेज बन रही होगी भाई इस तरह से, तो ऐसे इसके अंदर और भी इमेज बनेगी भाई, इसके अंदर और भी इमेज बन सकती हैं अगर एंगल कितना है इस पर डिपेंड करता है, तो अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग जो है इमेजेस बनेंगी। अगर एंगल 180 डिग्री है भाई, अगर एंगल 180 डिग्री है तो ये एक ही मिरर की तरह है, सोचिए आपने एक ही दीवार पर दो मिरर लगा दिए इस तरह से, ये पहला मिरर लगा दिया इस तरह से और इसी के साथ में दूसरा मिरर लगा दिया आपने, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, अब आप इसके सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो ये एक मिरर की तरह आपको एक इमेज दिखाई देगी, लेकिन ये एंगल थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए 180 से, तो थोड़ा सा 180 से कम कर दिया जाए, तो 180 से थोड़ा सा भी कम कर दिया जाए, तो पहले ही मैंने आपको ये बताया कि जो मिरर था वो बिल्कुल स्ट्रेट है, दो मिरर्स हैं ऐसे, तो ये इनके सामने एक ऑब्जेक्ट होगी, एक ही मिरर की तरह काम करेगा, एक इमेज बनने वाली है, लेकिन अगर दो मिरर्स के बीच में ऐसे एंगल थोड़ा सा कम कर दिया जाए इस तरह से, ये एंगल कर दिया जाए और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दी जाए इस तरह से, तो इस केस में ऐसे ऑब्जेक्ट रखने के केस में दो इमेजेस बनेगी भाई, एक पहले मिरर में और एक दूसरे मिरर में। अगर ये एंगल और घटाकर कुछ इस तरह से 90 डिग्री कर दिया जाए भाई, 90 डिग्री का एंगल कर दिया जाए भाई इस तरह से, अब 90 डिग्री का केस कर दिया जाए अगर इस तरह से, तो 90 डिग्री के केस में तीन इमेज बनेगी भाई, एक इमेज इसकी इस मिरर में बनेगी यहाँ पर, तो एक इमेज जो है वो इसकी एक इमेज यहाँ इस मिरर के अंदर बनेगी भाई इस तरह से, यहाँ एक इमेज बनेगी, इसकी एक इमेज यहाँ इस मिरर में बनेगी भाई यहाँ पर, और एक इमेज इनकी यहाँ बीच में भी, दोनों मिरर्स के बीच में भी बनेगी भाई, आधी इस मिरर में दिखाई देगी, आधी दूसरे मिरर में दिखाई देगी, तो ये तीसरी इमेज भी बनेगी इस तरह से। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई है इस तरह से, तीन इमेजेस हो गई हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई हैं, तीन इमेज हो गई हैं। ये एंगल 90 से भी कम करोगे और बढ़ने लगेगी, चार बनने लगेगी, ऐसे करते करते 5-6, अगर एक टाइम पर एंगल जीरो कर दिया जाए, अगर एक टाइम पर एंगल जीरो कर दिया जाए, दो मिरर्स हैं, एक M1 मिरर और एक M2 मिरर, और इन मिरर्स को अगर आमने सामने रख दिया जाए, अगर इन मिरर्स को आमने सामने रख दिया जाए और इनको एक इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट हो गई, तो मल्टीपल इमेजेस भाई। आपने कभी देखा होगा जिम में, जिम के अंदर चले जाएं आप, आमने सामने की दीवार पर मिरर्स लगे रहते हैं, तो बहुत सारी अपनी इमेजेस हमारे जैसे बहुत सारे जो वो खड़े हुए दिखाई देंगे, अपने ही जैसे मिरर के अंदर बहुत सारे दिखाई देंगे, आमने सामने मिरर्स लगा दिए जाएं तो जीरो डिग्री के एंगल पर इनफाइनाइट इमेजेस हो जाती हैं, बहुत सारी इमेजेस बनेगी ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण बहुत सारी इमेजेस बनाने लगेगा ये प्लेन मिरर का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, तो प्लेन मिरर का जो ये कॉम्बिनेशन होगा ये बहुत सारी इमेजेस बनाने लगेगा, तो इसलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। कभी भी अगर आपको बताना है कितनी इमेजेस बनेगी भाई, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, इतनी इमेजेस बनेगी अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज इवन नंबर आ जाता है आपका, तो इवन नंबर आ जाता है आपका, तो 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय जो है वो क्या होगा, अगर इवन नंबर आ जाता है तो, अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इवन आ जाता है तो -1 भी आएगा भी फॉर्मूले के अंदर, अगर इवन नंबर आ जाता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, जैसे यहां पर 180 डिग्री रखूं तो 180 डिग्री पर डिवाइड करने के बाद आंसर 2 आएगा, तो 2 में से 1 माइनस करूं एक इमेज बनेगी भाई, अगर यहां 90 की वैल्यू पुट करूं 4 आएगा, इवन है, 1 माइनस करूंगा भाई, तीन इमेजेस बनेंगी भाई, और n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा फार्मूला होगा, यानी -1 नहीं आएगा इफ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इज ओड, अगर ये ओड है, और हमेशा
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा ये, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब है अगर कभी आपका एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका आंसर 1.2 आ रहा है, मतलब डेसिमल आ रहा है, तो नेक्स्ट लिख दीजिए भैया आप 2 लिख देंगे, 1.2 है, यानी अगर आपका पूरा पूरा एक इंटीजर नहीं है तो नेक्स्ट इंटीजर बना दीजिए उसको, 1.2 आ जाता है आपका इससे आंसर, तो दो इमेजेस बनेंगी, आप 2 मान लेंगे इसको भाई। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है यहां पर कि प्लेन, दो प्लेन मिरर अगर आपके सामने हैं, अगर दो प्लेन मिरर आपके सामने हैं, तो दो प्लेन मिरर जो आपके सामने हैं, उन दो प्लेन मिरर से, दो प्लेन मिरर अगर आपके सामने हैं, तो दो प्लेन मिरर से कितनी इमेजेस बनेंगी, ऐसा कॉम्बिनेशन समझने की क्या करी है हमने, कोशिश करी है इस केस में भाई। आ जाइए गाइस, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, एक और प्रॉपर्टी ये है प्लेन मिरर की, a plane mirror of height h/2 can produce complete image of an object of height h। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनाने के लिए आधी हाइट का मिरर काफी होता है भाई। 5 फुट का इंसान अपने आप को पूरा देख सकता है 2.5 फुट के मिरर में, 5 फीट का, 5 फीट का एक पर्सन अपने आप को पूरी तरह से देख सकता है 2.5 ढाई फीट के एक मिरर के अंदर में। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट एच है उसकी पूरी इमेज बन सकती है आधी हाइट के मिरर के अंदर। ये सब था प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर को एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज करते हैं हम अपने घर में, सामने वॉश मशीन के ऊपर लगा लेते हैं, यूज करते हैं इस तरह से। आगे देखिए भाई, ये इम्पोर्टेंस इसकी है, पेपर में ये डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन हमें इसका यूज आगे चलकर करना है, इसलिए मैं आपको मिरर्स के बारे में भी बता रहा हूँ। तो ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो इस लेक्चर में मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स भी कवर कराऊंगा भाई। तो स्फेरिकल मिरर्स की बात करी जाए तो मैं बहुत तेजी से इसे बता रहा हूँ जल्दी से। स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात करी जाए, स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात करें भाई, एक स्फेयर कंसीडर करिए भाई। ग्लास का बना हुआ एक स्फेयर आपके पास होता जो कैसा है, होलो है। ग्लास का बना हुआ एक आपके पास क्या है, ये एक स्फेयर है, और ये स्फेयर कैसा है, होलो है। होलो है अगर ये स्फेयर भाई, इस तरह से नारियल की तरह सोचिए। नारियल जो है वो पूरा स्फेरिकल होता नहीं, सोचिए पूरा स्फेरिकल है नारियल। तो नारियल को अंदर से खाली है भाई, नारियल अंदर से नारियल खाली है, पानी नहीं है उसके अंदर मान लीजिए, तो अंदर से नारियल खाली है बिल्कुल, अंदर से नारियल बिल्कुल खाली है, और वो अगर ग्लास का बना हुआ होता, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता इस तरह से, और आप उस स्फेयर का एक सेंटर होगा भाई, इस स्फेयर का एक सेंटर होगा और इस स्फेयर का एक रेडियस भी होगा। अगर इस तरह से एक पार्ट उसके अंदर से कट कर लिया जाता भाई, इस तरह से एक पार्ट उसके अंदर से अगर कट कर लिया जाता और उसको इस बाहर वाली साइड से सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता भाई, पॉलिश्ड सरफेस बना दिया जाता, इस तरह से एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता, तो ये जो आर्क, ये जो इस तरह की आपने आर्क यहां से कट करी है और उसको बाहर से पॉलिश कर दिया है, इस तरह से एक मिरर बन जाता है, इस तरह की शेप का एक मिरर बन जाता, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, एक केव बन रही है, गुफा बन रही है, इसलिए इसका नाम कॉनकेव मिरर कहलाता, इसीलिए इसका नाम कॉनकेव मिरर कहलाता। अगर आपने एक पोर्शन इसका इस तरफ से कट किया होता, अगर एक पोर्शन इस तरफ से आपने कट किया होता और अंदर वाली साइड पर सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता भाई, अंदर वाली साइड पर सिल्वर पॉलिश कर दिया जाता,
तो हमें इस तरह की शेप का एक मिरर मिल जाता और इस मिरर का नाम कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता। इस तरह के मिरर का नाम कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता। तो मेरे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक स्फेयर था आपके पास और एक स्फेयर आपके पास था। और उस स्फेयर को देखिएगा शेप, ध्यान से शेप को कैमरे में ध्यान से देखिएगा। मैं बता दूं ये एक स्फेयर का पार्ट है, बड़े से स्फेयर का भाई। आपको देखने में स्फेरिकल नहीं लगेगा, प्लेन जैसा लगेगा, लेकिन जब आप इसे टच करके देखेंगे अपने हाथ से तो आप इसके कर्व को महसूस कर पाएंगे। एक तरफ से ये अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पॉलिश वाला सरफेस बाहर की तरफ है, कॉनकेव बन रहा है। दूसरे केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां पर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप यहां पर देख पा रहे हैं ये बाहर की तरफ है भाई, और जो इसका पॉलिश सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो इसका कर्वेचर इस तरह का है थोड़ा, ये कॉन्वेक्स मिरर है भाई। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर ऐसे मिले हैं आपको कि भाई एक बड़ा सा स्फेयर था आपके पास और उसमें से एक आर्क टाइप आपने कट करी, इस तरह का सरफेस मिल गया आपको। तो इसका ये कर्व्ड सरफेस है यहाँ पर, इन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। तो ये स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। और हम जिन स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, उन मिरर्स का ये एपर्चर भाई, ये जो एपर्चर है मतलब ये इस तरह का जो डायामीटर है इसका, ये बहुत ही स्मॉल है भाई, ये डायामीटर बहुत ही स्मॉल है, ये एपर्चर कहलाता है भाई। इस डायामीटर को क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। और आप देखेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी साइज के नहीं है, ये सामने से आप देखेंगे छोटा सा डायामीटर है इनका, मैक्सिमम 2.5 से 3 सेंटीमीटर भाई। तो छोटे एपर्चर वाले मिरर्स की हम बात कर रहे हैं, एक का नाम है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरे का नाम है कॉनकेव मिरर। पहचान आपको बनाकर रखनी है इस तरह से, कि आपके घर में एक स्पून है इस तरह से, तो ये स्पून होती है इस तरह से। स्पून की बात करें अगर मान लो, तो ये जो स्पून होती है घर पर खाना खाने की स्पून होती है, इसके अंदर ऊपर वाले सरफेस की बात करी जाए, तो इसमें ऊपर वाले सरफेस की बात करी जाए तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, अगर आप छत पर जाएंगे और सन की तरफ इसका फेस करेंगे, सन की तरफ फेस करके एक पेपर रखेंगे अपने पास, तो उस पेपर पर एक इमेज बन जाएगी, हम कोशिश कर सकते हैं, वैसे रूम में इतनी लाइट नहीं होती कि ये इमेज बना सके, लेकिन मैं अगर कोशिश करूं तो आप इस पेपर पर देख पाएंगे सोर्स लाइट का इस तरफ है। शायद आप अपनी स्क्रीन पर तो नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर देखें इसके अंदर डॉट बन रहा है इस तरह से, सामने खिड़की से विंडो से लाइट आ रही है जो इस कॉनकेव मिरर पर गिरी है। चम्मच का ऊपरी फेस है ये, और इसके सामने एक पेपर रखूंगा मैं, तो इस पेपर पर आप एक स्पॉट ढूंढ पा रहे हो, देखिए ये घूम रहा है इस तरह से। तो क्यों, क्योंकि सामने से आने वाली लाइट मिरर पर इंसिडेंट हुई, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन की तरफ गई, स्क्रीन पर जाकर एक इमेज बनाई, तो जो स्क्रीन पर देखी जा सकती है वो रियल इमेज बनती है। ये आप देख पाएंगे, मेरे फेस पर भी आ जाएगा अगर मैं इस तरह से रखूंगा इसको, तो भी तो ये आप देख पाएंगे कि इस तरह से मिरर क्या बना रहा था, ये रियल इमेज बना रहा था। तो ये चम्मच कॉनकेव की तरह है, सन की तरफ इसका फेस करोगे अगर, तो ये सन से आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और वहां इमेज बनेगी। नीचे वाला जो इसका सरफेस है इसी स्पून का, सोचिए ऊपर से ये रिफ्लेक्टिंग है, आर पार तो लाइट जा नहीं सकती, तो नीचे वाला इसका जो फेस है, नीचे वाला जो इसका सरफेस है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। आप अगर स्पून में अपना फेस देखेंगे, तो अगर आप स्पून में इस तरफ अपना फेस देखेंगे, पास लाकर देखेंगे, आपको अपना फेस सीधा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, वो कॉनकेव मिरर है।
आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर उल्टा कर अगर देखेंगे अपने आप को इस तरह से, तो उस तरफ आपको अपना फेस सीधा दिखाई देगा बट छोटा दिखाई देगा, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। बिना टच किए आप बता सकते हैं कि कौन सा मिरर है। अगर एक मिरर आपकी सेम साइज की इमेज बना रहा है तो वो प्लेन मिरर है। अगर एक मिरर आपकी छोटी इमेज बना रहा है, तो वो कॉन्वेक्स है। और अगर एक मिरर पास लाने पर आपकी बड़ी इमेज बना रहा है, पास लाकर देखिएगा, बड़ी इमेज बना रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर है। तो इस तरह से मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ये बात आपको बड़े अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाए कि कौन सा जो है वो मिरर है यहाँ पर। आगे बात करी जाए भाई, हम इन मिरर्स में कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो ये कॉनकेव मिरर है आपके पास, या फिर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है भाई। तो या तो आपके पास एक कॉनकेव मिरर है या आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो ये एक सेंटर है इसका, यहाँ पर इसका ये पी पॉइंट इसका पोल कहलाएगा भाई। ये सीधी लाइन जो पोल से पास हो रही है और मिरर पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। तो इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। और यहाँ पर ये मिरर जिस स्फेयर से लिया गया है, उस स्फेयर का अपना एक सेंटर था, और उस सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फेयर का जो सेंटर था वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी पोल के बीच में एक और पॉइंट होता है जिसे हम एफ यानी फोकस कहते हैं। मैं बताऊंगा इन पॉइंट्स के बारे में आपको, फोकस के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। उस डिस्टेंस को, जैसे वो जो स्फेयर था जिस स्फेयर से ये लिए गए हैं, उस स्फेयर का एक सेंटर था और उसका अपना एक रेडियस था, उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया है और उसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया है F पॉइंट से P का डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। ये बात भी आप सभी को क्लियर रहे। कॉन्वेक्स की बात करी जाए तो इसका कर्व जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसकी फोकस भी इस तरफ होगी, और ये P इसका क्या कहलाएगा, पोल, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह से। तो दोनों में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहे कि ये P पोल होता है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और F यहाँ पर क्या होती है, फोकस होती है। इन डिस्टेंसेस के बारे में हम आगे फिर से बात जानेंगे इस बारे में। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि इस तरह के मिरर्स अगर आपके पास हैं, तो कौन सी लाइट को कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, ये जानना बड़ा जरूरी है। और ये रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर्स। एक साइड हम बात करेंगे कॉनकेव पर रिफ्लेक्शन की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कॉनवेक्स पर रिफ्लेक्शन की। तो एक तरफ कॉनकेव पर बात करेंगे और एक तरफ कॉनवेक्स पर बात करेंगे। तो कॉनकेव एंड कॉनवेक्स दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं, और कौन सी लाइट कहां पर रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, ये जानना था। सबसे पहला केस है कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर कंसीडर करिए, बहुत ज्यादा गोल मत बनाइएगा। कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं भाई इस तरह से, ये इस तरह से गोल नहीं बनाना है, इतना स्फेरिकल नहीं होता है ये मिरर यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट रखें क्योंकि एपर्चर बहुत ही स्मॉल है,
और एक बड़े स्फीयर का पार्ट लिया गया है। कर्व बहुत ही धीमा है भाई, बहुत ज्यादा कर्व सरफेस नहीं है। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है यहाँ पर, ये कर्व सरफेस है भाई यहाँ पर, ये देख पाएंगे आप। और ये कर्व सरफेस था, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये पी पॉइंट पोल है, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये एफ इसकी फोकस है। फोकस की डेफिनेशन क्या है मैं बताऊंगा अभी। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप समझ गए, हमने इन मिरर्स को एक स्फेयर से लिया है, उस स्फेयर का जो सेंटर था, उस स्फेयर का जो सेंटर था वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस क्या होती है भाई, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आई है, दूर से कहीं से आई होगी, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आई है वो पी पॉइंट एम पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई भाई, मिरर के एम पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई भाई। रिफ्लेक्शन कहां होगा, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, ये समझना था आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक सीधी लाइन जोड़िए भाई। अब आप हमेशा के लिए ये बात जान जाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सीधी लाइन आएगी वो मिरर पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि भाई स्फीयर के सेंटर से जो लाइन आई है वो रेडियस की तरह है, और रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा इस कर्व सरफेस के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो हमेशा ही मिरर पर क्या होती है, नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ इसने कुछ एंगल बनाया थीटा, रिफ्लेक्शन होने के बाद जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये इतने एंगल पर इस तरह से, दोनों एंगल बराबर होंगे, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाएगी। पैरेलल आने वाली लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गई है उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर करिए भैया, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, आप देख पाएंगे यहां पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पी पॉइंट यहां पर पोल है, एफ पॉइंट यहां पर फोकस है, सी पॉइंट यहां पर, इक्वल डिस्टेंसेस पे बनाइएगा भाई। आगे हम बता देंगे, प्रूव कर देंगे कि फोकल लेंथ पी से एफ का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहां जाएगी जानना है, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से सीधी लाइन डालिए, ये इस पर मैंने क्या डाला, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे यहां थीटा नाम दे दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन होने के बाद उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी। तो जब उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी तो ये हमेशा इस तरह से रूल बनेगा, हमेशा इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी ये, कि भाई जब कभी इधर ये लाइट किसी की आंखों में जाएगी वो प्रोड्यूस करके देखेगा, उसे लगेगा कि ये लाइट कहां से आई होगी, फोकस से आई होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि प्रोड्यूस करने वाले को लगेगा कि वो फोकस से आई होगी, यानी यहां पर पैरेलल आने वाली लाइट अलग डायरेक्शन में बिखेर दी, डाइवर्ज हो गई, ऐसा लगता है फोकस से लाइट आ रही है, एक पॉइंट से लाइट बिखर रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है। और यहां पर पैरेलल आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर ले आया है, कन्वर्ज कर दिया है, इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। तो पहला रूल ये है, कॉनकेव में पैरेलल आने वाली लाइट फोकस पे जाएगी, कॉन्वेक्स में पैरेलल आने वाली लाइट इस तरह से डाइवर्ज हुई
के प्रोड्यूस करने पे लगा कि वो फोकस से आई होगी। पहला रूल है, हर बच्चे को ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। दूसरे रूल की बात करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, और पैरेलल आने वाली लाइट को फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए मैंने कॉनकेव मिरर को डिश एंटीना में यूज किया है, ताकि जो सिग्नल आएंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगे, रिसीवर रिसीव करेगा, नीचे टीवी पर अच्छे सिग्नल आएंगे। उसके बाद दूसरा रूल जो जानना था, दूसरा रूल ये है यहाँ पर कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी पोल है, एफ फोकस है यहाँ, और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा रूल मैं ये देख रहा हूँ कि फोकस से अगर कोई लाइट आई होगी, भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब बार बार एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा याद करेंगे, फोकस से आने वाली लाइट पैरेलल हो जाएगी। फोकस से आने वाली लाइट कैसी हो जाएगी आपके लिए? पैरेलल। फोकस से आने वाली लाइट कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से आने वाली लाइट कैसी होगी? पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P पोल है। कोई ऐसी लाइट है जो आई थी कहीं से और प्रोड्यू मिरर पर आकर, मिरर के पार तो जा नहीं सकती, ये लाइट मिरर पर इंसिडेंट हुई है, पार तो जा नहीं पाएगी, प्रोड्यूस कर मैंने देखा, ऐसा लगता है कि फोकस पर जाना चाहती है। फोकस पर जब ये जाना चाहती है तो इसे वापस रिफ्लेक्ट कर देगा ये, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और प्रिंसिपल फोकस पर जो जाना चाहती थी वो पैरेलल हो जाएगी। एक केस में वर्चुअल इमेज के हैं, एक में रियल इमेज के केस बन रहे हैं, जहां एक्चुअल में लाइट जा रही है वहां रियल है, यहां पर फोकस से आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। ये फोकस पर जाना चाहती थी, जाने नहीं देंगे, पर फोकस पर जाना चाहती थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो दो दो नियम समझ में आए सभी को, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली फोकस पर जाएगी, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इस तरह से डाइवर्ज होगी कि लगेगा कि प्रोड्यूस करने पर कि फोकस से आई है, और यहां पर फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी, वहां जो फोकस पर जाना चाहती है वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस अगर जानना है, कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस माना है, पी पोल है, एफ फोकस है, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऐसा केस है मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली कोई भी रे, अगर आई है, वो तो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है, आप जानते हैं, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का केस अगर मान लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी यहाँ पर पोल है, एफ फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक रे इस तरह से आई है, प्रोड्यूस करने पर लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाना चाहती थी, तो इस मिरर पर तो फिर वो नॉर्मल रही होगी, और अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। अपना पाथ यहाँ पर क्या करेगी? वो रिट्रेस करेगी। ये दूसरा तीसरा रूल भी आप सभी बच्चों को क्लियर रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली फोकस पर जाएगी या फोकस से डाइवर्ज होगी, उसके बाद फोकस पर आने वाली पैरेलल हो जाएगी, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तीसरी बात आप ये देख पाएंगे कि भाई मैंने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर किया, मैंने यहाँ पर, और ये पी यहाँ पर पोल है, एफ यहाँ पर फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
और पोल पर जो लाइट जितने एंगल पर आई होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने ही एंगल पर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा भाई। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जाए, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, P यहाँ पर पोल है, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जितने एंगल पर पोल पर आई होगी उतने ही एंगल पर नीचे मुड़ जाएगी, ये बहुत सिंपल सा रूल है, दोनों केस में सेम रहेगा भाई। तो चार जो रूल है वो समझ में आए हो भाई आप सभी को, चार तरह के रूल्स हैं, चार तरह के रूल्स को आप समझ पाएंगे भाई, चार तरह के रूल्स को आप जान पाए, चार तरह के रूल्स को आप जान पाए। क्या कहा गया है इसके अंदर, मैं ये बता रहा हूं आपको कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ऐसा बताते हैं। तो इसीलिए उसी पैटर्न को देखा तो मैंने चार रेज याद कर ली, कि कुछ चार पर्टिकुलर रेज याद कर ली ताकि हम इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाना सीख सकें, कि ये इस तरह की रेज हैं जिनको हम याद कर लेते कि हमेशा इन पॉइंट से जाएंगे। रेज तो और भी बहुत सारी होती है भाई, बहुत सारी रेज होती होंगी भाई, अलग अलग एंगल पर आई होंगी, कोई फोकस के आगे से, कोई फोकस से, बहुत सारी अनगिनत रेज होती हैं किसी ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमने कुछ मेन चार रेज को कंसिडर किया है आगे इमेज को समझने के लिए। कि भाई एक केस है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस पे जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली पाथ रिट्रेस करेगी और पोल पर आने वाली उतने ही एंगल पर चली जाएगी। कॉन्वेक्स के केस की बात करी जाए अगर मान लीजिए, तो कॉन्वेक्स के केस में जितने एंगल जब जब पैरेलल आई है तो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि प्रोड्यूस करने पर लगेगा फोकस से आई होगी, और भाई अगर जो फोकस पर जाना चाहती है तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती थी रिट्रेस कर जाएगी, और पी पर जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर बेंड हो जाएगी। ये रूल अब याद कर कर हम इमेज फॉर्मेशन जानेंगे जल्दी से, कॉनकेव कैसी इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स कैसी, ताकि हम जल्दी से रिफ्लेक्शन के टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन के टॉपिक पर पहुंच जाएं भाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें थोड़ा आना चाहिए आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ये पेपर्स में डायरेक्ट नहीं आएंगे अब यहाँ पर, इस बार के सिलेबस में 2020-21 के सेशन में डिलीटेड पोर्शंस में मिरर्स को काट दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन जानेंगे, इमेज कैसी बनती है, कब कहाँ इमेज बनती है, कब रियल कब वर्चुअल, कब कैसी इमेज होगी, कब बड़ी कब छोटी, कब मैग्नीफाइड होगी, कब डिमिनिश्ड होगी, ये सारे केसेस अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स गाइस।